मोहम्मद तस्लीम को टिंकू जाकिर हुसैन, इकरार हुसैन, सैयद अली तिलक सिंह एवं सभी पदों का अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आइए देखते हैं राजकुमार कश्यप का एक रिपोर्ट। उनका मतलब है कि विपक्ष रहा ही नहीं कोई भी, और जब विपक्ष पर हम मुकदमा लगाएंगे तो विपक्ष को घबराया जाएगा और अपने घर में बैठ जाएगा। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ से चलकर रामपुर जा रहे हैं। रामपुर जाकर कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि यह क्या मामला है। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी विधानसभा मीरगंज, जो हमारे विधानसभा मीरगंज सीमा पड़ती है रामपुर के, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी विधानसभा मीरगंज के कार्यकर्ता, यहाँ पर नेता हमारे उपस्थित हुए हैं। उनका स्वागत करके जोरदार, और जो भी निर्देश उनका होगा हम उनका पालन करेंगे, और उनको उनका निर्देश होगा कि सभी लोग रामपुर के पहुँचे तो सभी लोग रामपुर पहुँचने का काम करेंगे। क्योंकि आज भाजपा सरकार में बलात्कार, लगातार चोरियां, डकैती लगातार उनके नेता कर रहे हैं। आज शाहजहाँपुर के एक पूर्व मंत्री थे स्वामी जी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है बलात्कार का। आपके उन्नाव के विधायक थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा, आज जेल में हैं वो पड़े हुए। तो वो समाजवादी पार्टी वालों को तो कोई मुकदमा नहीं है कोई किसी चीज़ पर, लेकिन उन्हें जबरदस्ती भगाया जा रहा है, जिससे कि वो लोग घर के घर में बैठ जाएँ। क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, और पंचायत चुनाव के बाद बाद के चुनाव होंगे। तो कार्यकर्ताओं को ऐसा दहशत में बनाया जा रहा है, भाजपा कर रही है कि जैसे हम लोग घर में बैठ जाएँ, और इनके जो भी ये कारनामा कर रहे हैं, चोरी, डकैती, लूट कर रहे हैं लगातार भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, तो उनको हम उनकी आवाज़ ना उठा सकें, इसलिए हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ से आज इसलिए चल रहे हैं कि उनसे पूछ, कार्यकर्ताओं मिल रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, भाजपा के लोग क्या तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। उसको लेकर आज हम लोग और पूरे जिला के अंदर हर जगह स्वागत हो रहा है। आज मीरे विधानसभा में भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जो भी है समाजवादी पार्टी के सड़क पर आए हैं, और उनका स्वागत करेंगे, स्वागत करने का काम करेंगे, और अपने नेता से जो भी निर्देश होंगे हमारे नेता के, वो हम कार्यकर्ता अपने संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद शाहिद और कल्लू, वार्ड नंबर 11, मैं सभासद हूँ नई बस्ती। आज आपकी पार्टी के कुछ लोग आए थे, कौन आए थे इसके बारे में जानकारी दें? राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे हमारे अखिलेश यादव, मीरगंज में हमने उनका सारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत करा फूलों से। उसके बाद वो रामपुर रवाना हो गए आजम खां के पास, और आजम खां के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे होंगे। अच्छा ठीक। और ये बताइए, ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से गरीब लोगों के लिए 15 लाख रुपए देने का वादा किया था गरीब लोगों के लिए, वो पूरा किया गया क्या? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं करा। अच्छा ठीक है, गरीब लोगों के लिए रोजगार देने का वादा करा था, फैक्ट्री लगाने का वादा करा था, वो पूरा हुआ ना? कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सब झूठी बातें हैं जी। अच्छा ठीक। और ये बताइए आप, ये लोग गरीब लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या चाहेंगे, इसमें पहले 500 रुपए, 1000 रुपए का चालान कटता था, आज 10,000, 20,000 रुपए के चालान कट रहे हैं, जनता बहुत परेशान है। आप लोगों के बीच में बहुत जल्द होंगे, क्योंकि काफी समय से आप लोग इंतजार में हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। हेलो, सबसे थोड़ा रोड करके रोड करना।